1 minute story. एक राजा को एक साधु ने ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज में एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी को आप तभी खोलना जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओ। इस चिट्ठी के अंदर उसका हल होगा। राजा ने भी उस ताबीज को अपने गले में बांध दिया। वक्त बीतता गया और एक दफा राजा जंगल गया शिकार के लिए और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपनी सेना से अलग हो गया। वापस आने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो किसी दूसरे देश की सीमा में पहुंच गया। किसी तरह उसने एक गुफा ढूंढी, वहां नीचे जाकर बैठा और उसने सोचा कि हाँ, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। और अचानक से उसे कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आए कि ये दूसरे देश की सेना होगी, ये अब मुझे बंदी बना देगी, मुझे पकड़ लेगी और शायद मुझे मार भी डालेगी। मुसीबत के समय में आपके और मेरे दिमाग में भी ऐसे ही उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तो बस वही राजा के साथ हो रहा था। और उसे उसी वक्त उस ताबीज की याद आई और उसने सोचा चलो मैं उसके खोलकर पढ़ता हूँ। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस इतनी सी बात थी और राजा का मन एकदम से बहुत शांत हो गया। कई दफा ऐसा होता है, बात छोटी सी होती है, हमने सुनी हुई भी होती है, पर अगर सही समय पर उसे फिर सुन या पढ़ लो तो वो बहुत बड़ा असर कर जाती है। तो अगर आपको भी इस वक्त उस ताबीज की जरूरत है तो लो फिर कह देते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा।